नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 30 जनवरी को होने वाले गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के मतदान को संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ 56 पोलिंग पार्टियों को गोरखपुर विश्वविद्यालय से निर्वाचन सामग्री के साथ किया गया रवाना। मतदान कराने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में वापस निर्वाचन सामग्री को करेंगे जमा। CDO संजय कुमार मीणा ने दी जानकारी। ग्राम सभा टिकरिया नाथ सिंह के 31 वर्षीय युवा ग्राम प्रधान शिवजी यादव ने लगाई फांसी। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। बीती रात गांव के बर्थडे पार्टी से वापस आए थे ग्राम प्रधान। गांव में है तरह तरह की चर्चा। जांच में जुटी पुलिस। ₹299 करोड़ की लागत से बन रहे आयुष विश्वविद्यालय के कार्यों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। कार्यों को मार्च माह तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद के सभी थानों पर तैनात जनसुनवाई अधिकारियों के साथ SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की बैठक। थाने पर आने वाले फरियादियों के समस्याओं को थाने पर ही निस्तारण करने के लिए सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक अभियुक्त रंजीत निषाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व बेचने वाले 3 हिस्ट्री शीटरों के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। ASP CO चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। MLC चुनाव व बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जनपद में 2 महीनों के लिए लागू किया गया धारा 144। ADM सिटी ने नागरिकों से की अपील, कहा बिना अनुमति के ना करें कोई सार्वजनिक कार्यक्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में गांधी जी के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। कहा विश्व को अहिंसा की शक्ति दिखाने वाले गांधी जी का जीवन देश सेवा के लिए रहा समर्पित। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से चल रहे खिचड़ी मेले में रविवार को गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में उमड़ी भीड़। कहा गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने के बाद मेले में लगे झूलों का उठाया लुफ्त। और हिमालय से आ रही सर्द हवाओं ने यूपी में बढ़ाई सर्दी। सुबह शाम पड़ रहा है कोहरा। ADM फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा एक सप्ताह के बाद मौसम में शुरू होगा बदलाव। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के मतदान को संपन्न कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय भवन से 56 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के साथ रवाना किया गया, जिसके संबंध में CDO संजय कुमार मीणा ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव को संपन्न कराने के लिए 17 जनपद में 321 बूथ बना है और गोरखपुर में 56 बूथ बना है, जिसके लिए 65 पोलिंग पार्टी बनाया गया है और 56 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। बाकी 9 पोलिंग पार्टी रिजर्व रहेगी। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो तुरंत पोलिंग पार्टी को बूथ पर भेज दिया जाएगा। इसलिए सभी पोलिंग पार्टी को विश्वविद्यालय से पोलिंग बूथ के लिए मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया है, जो कि सोमवार को मतदान कराने के बाद वापस विश्वविद्यालय में ही आकर जमा करेंगे। इस अवसर पर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, ADM प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, SDM सदर नेहा बंधु, SDM सहजनवा सुरेश राय, तहसीलदार सदर विकास सिंह, नायब तहसीलदार सदर विकास कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और CDO संजय कुमार मीणा ने कहा कि जो भी मतदान कार्मिक हैं, आप लोग इस तरफ आ जाएं, कुर्सी लगी हुई है, यहाँ आपकी अटेंडेंस भी हो रही है, आप इस तरफ आके अटेंडेंस अपना कराएं। काउंटर नंबर 1 से काउंटर नंबर 3 से बूथ नंबर 251 से बूथ नंबर 266 तक की सामग्री वितरित की जाएगी। लगी है, आप लोग इस तरफ आ जाएं, कुर्सी लगी हुई है, कुर्सियों पर आकर बैठिए और आपकी अटेंडेंस ली जानी है। मतदान कार्मिक जो रिजर्व में लगे हैं, आप लोग आकर के अपनी अटेंडेंस दीजिए।
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। और आप जानते हैं जैसा कि आज गोरखपुर फैजाबाद स्नातक जो निर्वाचन है उसकी पोलिंग पार्टियां पूरे 17 जनपदों से रवाना हो रही हैं। हम लोग गोरखपुर में हैं, हमारे यहां 56 बूथ है। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग आ गए हैं, सामग्री प्राप्त कर रहे हैं जो पीठासीन अधिकारी हैं, और ये अभी अगले 2 घंटे में अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि सभी लोग 2 से 3 बजे के बीच अपने अपने पोलिंग सेंटर पर पहुंच जाएंगे। कार्मिक हमारे पास 56 बूथ हैं, तो जितनी मानक है उतने कार्मिक लगे हुए हैं। गाड़ियों का प्रबंध है, सुरक्षा का प्रबंध है, पुलिस का प्रबंध है, सभी प्रकार के प्रबंध पूर्ण कर लिए गए हैं। और सभी को कल इसी स्थल पर, जो ये
वाणिज्य भवन है यूनिवर्सिटी का, यहीं पर कल मत पेटिकाएं जमा होंगी पूरी 17 जनपदों की। बहुत बहुत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया जा रहा है। देखिए MLC चुनाव में ये क्योंकि 17 जनपदों में टोटल 321 बूथ बने हैं, जिसमें हमारे जनपद गोरखपुर में टोटल 56 बूथ हैं, जिसके लिए हमने 65 पार्टियां बनाई हैं, जिसमें 56 पार्टियां बूथ पे जाएंगे और 9 पार्टियां रिजर्व में रहेंगी। यदि कोई किसी अपरिहार्य स्थिति में अनुपस्थित रहेगा तो रिजर्व से उनको बूथ में ड्यूटी लगाई जाएगी। उसी के क्रम में आज यहाँ दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से सभी पार्टियों को डिस्पैच किया जाएगा, जो अपना जो भी सामग्री है वो लेके संबंधित बूथ पर जाकर मतदान कराएंगे तथा वापसी यहीं पर अपने रिसीविंग कराएंगे। हरपुर बुधहट के ग्राम मथौली निवासी एवं ग्राम सभा चिकरिया नाथ सिंह के ग्राम प्रधान 31 वर्षीय शिवजी यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना मिलते ही परिवार सहित क्षेत्र में कोहराम मच गया। बीती रात गांव के ही बर्थडे पार्टी से आए ग्राम प्रधान अपने कमरे में सोने चले गए, फिर सुबह ग्राम प्रधान शिवजी यादव को फांसी पर लटकते देख परिजन अवाक रह गए। सूचना जंगल के आग की तरह क्षेत्र में फैल गई, भारी भीड़ एकत्र हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर क्षेत्राधिकारी खजनी सहित हरपुर बुधहट थाने के पुलिस मौके पर पहुंच गए और जांच में जुट गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। परिजन के अनुसार रात किसी के फोन आने की वजह से परेशान थे, किसी बात पर गाली गलौज की बात भी सामने आई है। फिलहाल हरपुर बुधहट पुलिस मृतक ग्राम प्रधान शिवजी यादव के मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मथौली निवासी शिवजी यादव ग्राम प्रधान चिकरिया नाथ सिंह बीती रात किसी बात को लेकर परेशान थे। देर रात गांव के बर्थडे पार्टी से आने के बाद अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। सुबह देर तक न उठने के बाद परिवार को चिंता हुई, बाहर रोशनदान से देखा तो कुंडी से लटकते शव को देख कोहराम मच गया। गांव के युवा प्रधान को परिवार ही नहीं पूरा गांव खो दिया। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन दबे जवान में उधारी व गांव में किए गए कार्य में भुगतान ना हो पाने से कर्ज देने वालों सहित कई बिंदु पर पुलिस मोबाइल के आधार पर जांच में जुट गई है। क्षेत्राधिकारी खजनी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान मिलनसार व्यक्ति थे। ग्राम प्रधान शिवजी यादव 4 भाई थे, एक भाई बैंकॉक दुबई और एक भाई डायल 112 में संत कबीर नगर में कार्यरत है। उनका 6 वर्ष का छोटा लड़का है। घर पहुंचने के बाद से ही ग्राम प्रधान अंदर से दरवाजा बंद किए हुए थे। दरवाजे को तोड़कर लाश को नीचे उतारा गया। ग्राम प्रधान शिवजी यादव के शरीर पर कहीं भी किसी प्रकार के चोट खरोच नहीं पाया गया है। किन कारणों से ग्राम प्रधान ने आत्महत्या किया है यह जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल हरपुर बुधहट थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने भटहट ब्लॉक स्थित पिपरी में 299 करोड़ की लागत से बन रहे आयुष विश्वविद्यालय के कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय के कार्य को मार्च माह के लास्ट तक पूरा कर लिया जाए, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यदि जरूरत पड़े तो मजदूरों की संख्या को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि कार्यों को समय से पूरा किया जाए, जिससे कि आयुष विश्वविद्यालय का गोरखपुर के छात्रों को लाभ मिल सके और लोग इस पद्धति को ज्यादा से ज्यादा जान सके। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, GPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। से गाड़ी बोले उधर जानी है, बोले इधर जानी है, क्या इशू क्या है? हम ये थोड़ी कह रहे कि सड़क पार है, अब इसको बना दोगे तो पक्का स्ट्रक्चर बनेगा। उधर से इधर से गाड़ी उधर सेंटर में। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद के सभी थानों पर तैनात जनसुनवाई अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद के सभी थानों पर पिछले साल अगस्त माह से जनसुनवाई की प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसमें सभी थानों पर एक उपनिरीक्षक, एक कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल की जनसुनवाई अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई थी, जिसको 6 महीना पूरा हो गया और उसकी समीक्षा की गई है, जिसमें सभी जनसुनवाई अधिकारी मौजूद
अनिरुद्ध थे। इस 6 महीनों की कार्यप्रणाली का सभी जनसुनवाई अधिकारी से फीडबैक लिया गया है। शासन का भी निर्देश है कि जनपद के सभी थानों पर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित व गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण हो, जिससे सभी जनसुनवाई अधिकारी को अवगत कराया गया है। इसके अलावा थानों पर फरियादियों के लिए पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था व शौचालय की व्यवस्था पर भी जानकारी ली गई है। उन्होंने बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि जनसुनवाई अधिकारी थाने पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का समय से निस्तारण करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, किस तरह की बैठक? देखिए, आज यहाँ पुलिस लाइन में जनपद गोरखपुर के सभी थानों पर जो एक जन सुनवाई की प्रक्रिया विगत वर्ष अगस्त के महीने से हमारे द्वारा चलाई गई थी, जिसमें कि सभी थानों पर एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल के रूप में जन सुनवाई अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। उस प्रक्रिया को 6 महीने पूर्ण होने के बाद आज उस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। सभी जो जन सुनवाई अधिकारी हैं थानों से संबंधित, उनको आज यहाँ पर बैठक में बुलाया गया था। 6 महीनों में इस प्रणाली को किस तरह से चलाया गया, उनसे फीडबैक लिया गया है। और विशेष रूप से जो प्रदेश सरकार की सबसे उच्च प्राथमिकता है कि थानों पर और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके लेवल पर जनता की सुनवाई हर हाल में हो, उनकी समस्याओं का वहीं पर निस्तारण, त्वरित निस्तारण और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, इस चीज़ को पुनः उन सभी को बताया गया है। और जिस तरह की कंप्लेंट्स उनके पास आ रही हैं और विशेष रूप से जो भी कंप्लेनेंट आता है उसको कैसे बिठाना है वहाँ पर, उनको पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और अन्य जो उनकी सुविधाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे जन सुनवाई अधिकारी जो कि थानों पर नियुक्त हैं, वो आने वाले प्रत्येक प्रार्थी की समस्या का न केवल सुनवाई करेंगे बल्कि उनको त्वरित और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने का भी पूरा प्रयास करेंगे और ये प्रणाली आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। थाने की पुलिस ने रंगदारी मांगने व धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रंजीत निषाद उर्फ पप्पू निषाद पुत्र स्वामीनाथ निषाद निवासी ग्राम भावापार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर व हाल पता कूड़ाघाट पिपल डाढ़ा थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादिनी के पति को रंजीत निषाद उर्फ पप्पू निषाद विगत 4-5 महीनों से धमकी दे रहा था कि पीड़ित उसे अपना जमीन बेच दे, यदि वह अपनी जमीन उसे नहीं देगा तो वह वादिनी मुकदमा के पति व उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। दिनांक 27 जनवरी को रंजीत निषाद अपने 3-4 साथियों के साथ वादिनी मुकदमा के घर गया तथा वादिनी के पति को पुनः जमीन बेचने के लिए दबाव बनाने लगा तथा जमीन न देने की स्थिति में 3 लाख रुपया रंगदारी मांगने लगा और 24 घंटे के अंदर उसकी बात ना मानने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके संबंध में वाद ने मुकदमा के द्वारा थाना कैंच पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक आशुतोष कुमार राय, कांस्टेबल रणजीत चौहान, टीपू सुल्तान शामिल रहे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 30 जनवरी को होने वाले गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के मतदान को संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ 56 पोलिंग पार्टियों को गोरखपुर विश्वविद्यालय से निर्वाचन सामग्री के साथ किया गया रवाना। मतदान कराने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में वापस निर्वाचन सामग्री को करेंगे जमा। CDO संजय कुमार मीणा ने दी जानकारी। ग्राम सभा टिकरिया नाथ सिंह के 31 वर्षीय युवा ग्राम प्रधान शिवजी यादव ने लगाई फांसी। आत्महत्या की वजह साफ नहीं, बीती रात गांव के बर्थडे पार्टी से वापस आए थे ग्राम प्रधान। गांव में है तरह तरह की चर्चा, जांच में जुटी पुलिस। ₹299 करोड़ की लागत से बन रहे आयुष विश्वविद्यालय के कार्यों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। कार्यों को मार्च माह तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
के सभी थानों पर तैनात जनसुनवाई अधिकारियों के साथ एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की बैठक। थाने पर आने वाले फरियादियों के समस्याओं को थाने पर ही निस्तारण करने के लिए सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक अभियुक्त रंजीत निषाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व बेचने वाले तीन हिस्ट्री शीटरों के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। एमएलसी चुनाव व बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जनपद में 2 महीनों के लिए लागू किया गया धारा 144। एडीएम सिटी ने नागरिकों से की अपील, कहा बिना अनुमति के ना करें कोई सार्वजनिक कार्यक्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में गांधी जी के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। कहा विश्व को अहिंसा की शक्ति दिखाने वाले गांधी जी का जीवन देश सेवा के लिए रहा समर्पित। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से चल रहे खिचड़ी मेले में रविवार को गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में उमड़ी भीड़, कहा गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने के बाद मेले में लगे झूलों का उठाया लुफ्त। और हिमालय से आ रही सर्द हवाओं ने यूपी में बढ़ाई सर्दी, सुबह शाम पड़ रहा है कोहरा। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा एक सप्ताह के बाद मौसम में शुरू होगा बदलाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुलेरिया थाने की पुलिस ने अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बेचने वाले तीन हिस्ट्री शीटरों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने बताया कि तीन हिस्ट्री शीटरों के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान बसंत बेलदार पुत्र स्वर्गीय राम पलट निवासी ग्राम जंगल चुमरी नंबर 1 चोला चिरकुट थाना गुलेरिया गोरखपुर, दूसरा गणेश बेलदार पुत्र स्वर्गीय राम पलट निवासी ग्राम जंगल चुमरी नंबर 1 टोला चिरकुट थाना गुलेरिया गोरखपुर व तीसरा गोपाल बेलदार पुत्र जगन उर्फ जगन्नाथ बेलदार निवासी ग्राम जंगल चुगरी नंबर 1 टोला चिरकुट थाना गुलेरिया गोरखपुर के रूप में हुई है। एएसपी सीओ चौरीचौरा मानुष पारिक ने बताया कि तीनों अभियुक्त अवैध कच्ची शराब बनाने व बेचने का काम करते हैं, जिनके ऊपर जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी सीओ चौरीचौरा मानुष पारिक ने कहा, एसएसपी महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना गुलेरिया में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा एक ऐसे गैंग के विरुद्ध दर्ज हुआ है जो कच्ची शराब के निर्माण एवं बिक्री में काफी सक्रिय रहा है। इस गैंग का गैंग लीडर है, उसका नाम बसंत बेलदार है। वह इस गैंग में 2 अन्य सदस्य भी हैं। बसंत बेलदार के विरुद्ध 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पहले से दर्ज है। जनपद में एमएलसी चुनाव व बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 को लागू किया गया है, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में बोर्ड परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र का चुनाव होने वाला है और अगले महीने में कई त्यौहार आने वाले हैं, जिसको देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इसलिए सभी जनपदवासियों से अपील है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम बिना जिला प्रशासन की अनुमति के न करें और धारा 144 का पालन करें। उन्होंने बताया कि धारा 144 2 महीने के लिए जनपद में लगाई गई है, यदि जरूरत पड़ी तो इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, सर जनपद में एक धारा 144 अभी जनपद में जिस तरीके से आगे बोर्ड परीक्षा होने वाली है, इसके अलावा एमएलसी स्नातक स्तर का चुनाव भी होने वाला है और विभिन्न प्रकार के त्यौहार भी आगामी महीने में आने हैं, तो इन सभी क्रियाकलापों को देखते हुए धारा 144 लागू किया गया है और जनपदवासियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम बगैर अनुमति के ना करें और धारा 144 का पूर्णतया पालन करें। ये एक बार में 2 माह के लिए लगाया जाता है, तो अभी फिलहाल 2 माह के लिए लगाया गया है, आवश्यकता के अनुसार इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तारामंडल स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय के प्रदर्शनी हाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को गांधी जी के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसके संबंध में प्रोफेसर डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने बताया कि गांधी जी के आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय जनता के संयुक्त शक्ति का एहसास कराया और देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। महात्मा गांधी जी के कारण भारतीय स्वाधीनता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला और उनके दृढ़ संकल्प तथा इच्छा शक्ति का लोहा पूरे विश्व ने माना। उन्होंने विश्व को अहिंसा की शक्ति भी दिखाई। गांधी जी का जीवन देश सेवा के लिए समर्पित रहा। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी आज़ादी के महान नायक थे, जिनका आदर्श जीवन एवं संघर्ष हम सब के लिए स्वतः में महान संदेश है। इस अवसर पर SN आर्या, मनीष कुमार यादव, शौर्य द्विवेदी, भालचंद मिश्रा, विनीत पाल, हरदेव सिंह, सुनील शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर रेखा रानी शर्मा एवं राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक मनोज कुमार गौतम ने कहा, आप लोग भी साथ में आते हैं। पूरे समाज को चलाना। देखिए ये पिक्चर देखिए, ये जो है इसके पहनावे को आप देखिए, लाल मोहन बेटा शूटिंग में करते हैं, काले का दिलदा करा रहे हैं जी, बोले सूट पहने हुए सॉफ्ट स्पेस के अब पीछे पीछे सही बहुत समझ रहे नहीं ये सॉरी जरा जो क्यों रुकी मैं सौ राजा तुम भी सर ये आज राजकीय बौद्ध संग्रहालय द्वारा महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर आज ये छायाचित्र प्रदर्शनी लगी है। बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी मिल सके कि हमारे देश के लिए महात्मा गांधी ने कितने बलिदान दिए, कितने कार्य किए हैं। बहुत ही अच्छा छायाचित्र है, बहुत ही सारगर्भित है। इसे हम देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जिसको हमने कभी नहीं देखा, और इस चित्र के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को जरूर कुछ न कुछ अनुभव होगा, कुछ सीखेंगे। क्या संदेश चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि आप आए, हमारी जो पीढ़ी है उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है, उनको देखें, समझें और देश के प्रति अपना
कह सकते हैं कि अपना समर्थन करें और ऐसे ही देश प्रेम बनाए रखें। देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है 30 जनवरी 2023 को, उसी के पूर्व संध्या पे हमने ये कार्यक्रम किया है जिसमें गांधी के जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक के घटनाक्रम को दिखाया गया है और बहुत ही अभिलेखी और तथ्यों से युक्त यह प्रदर्शनी है। और इसमें मैं चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं, आमजन हैं, आकर के इस प्रदर्शनी को देखें और गांधी के जीवन एवं दर्शन और व्यक्तित्व को समझें कि गांधी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और देश के लिए कैसे कार्य किया और जिसमें असहयोग आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है या अन्य जो इनके आंदोलन रहे हैं उसमें कैसे देश को एकीकृत किया, देश को जोड़ा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को का मार्ग प्रशस्त किया, इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से चल रहे खिचड़ी मेले में रविवार को गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से खिचड़ी मेला प्रारंभ हो जाता है जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति के भोर में गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर करते हैं। उसके बाद नागरिक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं और गोरखनाथ मंदिर में लगे मेले में तमाम तरह के झूले, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला, मौत का कुआं, गन शॉट, ट्रेन, बड़ा झूला पर बैठकर लुत्फ उठाते हैं। रविवार को गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने के बाद मेले में भारी संख्या में पहुंचकर झूले का लुत्फ उठाते नजर आए। यह मेला शिवरात्रि तक चलता है जिसमें सबसे ज़्यादा रविवार और मंगलवार को भीड़ होती है। जिला प्रशासन द्वारा मेले में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है। मंदिर के सभी गेट पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंदिर के गेट से घुसते ही श्रद्धालुओं की सघनता से चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चंद्रावती शर्मा, अनीता शर्मा, अमरीश राय, अजनेर सुहानी और पायल ने कहा। निवासी पेड़ारी अंकिता अच्छा कर रहे हैं, भाई साहब रंजना सहनी माधोपुर। बच्चे को मुल्लर पर छाप गए हर्ष जायसवाल।
विजय गुप्ता आजमगढ़ नैनी जो गाँव से आज आपको मैं दर्शन करने आया, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन लेके हमें, मतलब पहली बार हमने सोचा था और आज हम यहाँ पर आ गए। मेला में घूमे? हाँ, मेला भी घूमे और थोड़ा सा बाकी यहाँ पर वो साइड घूमना है हमें। नहीं वो ठीक है, वो थोड़ा योगी जी के हम बहुत बड़े भक्त थे तो आज सोचा कि आज दर्शन ले लिया जाए गोरखपुर में आके। पहली बार आया? नहीं पहली बार आया मैं यहाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जैसा सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि मुझे नहीं लगा था कि इतनी पब्लिक होगी यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। हाँ योगी जी ने बहुत कुछ किया है, जबरदस्ती से हम आए हैं रोड से, तो रोड भी बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, कैमरा भी नॉर्मल इंसान लेके नहीं आ सकता। चंद्रात्री शर्मा बरेली से।
मंदिर आई है, कैसा लगा आपको? मंदिर बहुत अच्छा लगा मुझे। यहीं पे रहती थी, बचपन से तो यहीं थे, शादी हो गया तो बरेली चले गए, और बरेली से आए हैं मंदिर घूमने के लिए। मेला बहुत अच्छा लगा, पहले से बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा लगा। अनीता शर्मा बरेली से, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत घूम के मजा आया। कितने साल से आ रही हैं यहाँ पे? आए 13 साल के बाद, बहुत अच्छा लगा। 13 साल पहले क्या था और क्या क्या है? 13 साल में बहुत बदल गया, मैं पहचान भी नहीं पाई। पहले क्या था, क्या है? मतलब बहुत ये सब हुआ, मतलब कुछ अलग मंदिर भी बन रहा है सब, ये फूल और सब पौधा लगे, पानी उनी वाला सब लग गया, बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ भी है, हम इतना भी कभी देखे भी नहीं थे। मेरा नाम अमरीश राय है। कहाँ से आए? हम गोरखपुर के ही हैं। लोकल है जी। वहाँ मंदिर हमेशा आना जाना होता है अक्सर? कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार परिवर्तन दिखने को मिल रहा है, जो शायद करीब 25 सालों से नहीं हो पाया था। तो वो एक काफ़ी भीड़ भी मंदिर में जी। आज रविवार, हमारे ख्याल से रविवार का दिन होने के नाते इतनी भीड़ है। आंजनेय नाम है। कहाँ था? गोरखपुर। मेला घूमने आए? हाँ हाँ। लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। कितना आपने एंजॉय किया? अभी तो सिर्फ बोर्ड घूमे, अभी अंदर जाएंगे। क्या क्या घुमा, मतलब क्या क्या घूमना घर से सोच के आएंगे क्या? हाँ, वो झूला झूलना है और दर्शन भी किया है अभी। कैसा बस है? अच्छा लग रहा है। मतलब संडे के दिन आते हैं बस? बाकी दिन नहीं, आज संडे के दिन केवल आए हैं। और मेरा नाम सुहानी है। कहाँ से आई? मिर्जापुर से। लालडी मिर्जापुर। हाँ। कैसा लगा आपको? मंदिर में आके अच्छा लगा, और इस साल मंदिर की सजावट बहुत अच्छा हुआ, और अच्छे अच्छे सुविधा भी हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। क्या क्या घूमा आते हैं यहाँ पे? अभी तो केवल मंदिर ही घूमे हैं, अभी बाहर जाएंगे तो और भी घूमेंगे। क्या प्लानिंग है आगे? झूला झूलने का, और कुछ नहीं। मेरा नाम पायल है और मैं देवरिया से आई हूँ यहाँ पे गोरखनाथ घूमने, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे बहुत अच्छे से सुविधा है, और प्लस यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा लगा। पहली बार आई हैं? पहली बार नहीं, कई बार। कई बार आ चुकी हैं। क्या प्लानिंग करके आई हैं मेला में घूमने के लिए? बस घूमना है और मस्ती करनी है और झूला झूलना है। हिमालय से आ रही सर्द हवाओं ने यूपी में सर्दी बढ़ा दी है। दिन में धूप के चलते मौसम ठीक ठाक बन रहा है, लेकिन सूरज ढलते ही पारा तेजी से नीचे गिर गया है। आपको बता दें कि रविवार को जनपद में कोहरा छाया रहा, लेकिन 10 बजे के बाद धूप निकल आई। शाम और सुबह तेज चल रही हवाओं के कारण ठंड का एहसास हो रहा है। रविवार को जनपद का तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सर्दी का मौसम अब अंतिम चरण में है, लेकिन अभी सुबह शाम कोहरा की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अगले एक सप्ताह के बाद मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस गोरखपुर हूँ, प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। और आप जैसे देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे है, फिर भी अभी यदा कदा सुबह कुछ कोहरा हो जा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले एक सप्ताह तक लगभग नॉर्मल मौसम हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 30
जनवरी को होने वाले गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के मतदान को संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ 56 पोलिंग पार्टियों को गोरखपुर विश्वविद्यालय से निर्वाचन सामग्री के साथ किया गया रवाना। मतदान कराने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में वापस निर्वाचन सामग्री को करेंगे जमा। CDO संजय कुमार मीणा ने दी जानकारी। ग्राम सभा टिकरिया नाथ सिंह के 31 वर्षीय युवा ग्राम प्रधान शिवजी यादव ने लगाई फांसी। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। बीती रात गांव के बर्थडे पार्टी से वापस आए थे ग्राम प्रधान। गांव में है तरह तरह की चर्चा, जांच में जुटी पुलिस। ₹299 करोड़ की लागत से बन रहे आयुष विश्वविद्यालय के कार्यों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। कार्यों को मार्च माह तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद के सभी थानों पर तैनात जनसुनवाई अधिकारियों के साथ SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की बैठक। थाने पर आने वाले फरियादियों के समस्याओं को थाने पर ही निस्तारण करने के लिए सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक अभियुक्त रंजीत निषाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व बेचने वाले 3 हिस्ट्री शीटरों के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। ASP CO चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। MLC चुनाव व बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जनपद में 2 महीनों के लिए लागू किया गया धारा 144। ADM सिटी ने नागरिकों से की अपील, कहा बिना अनुमति के ना करें कोई सार्वजनिक कार्यक्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में गांधी जी के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। कहा विश्व को अहिंसा की शक्ति दिखाने वाले गांधी जी का जीवन देश सेवा के लिए रहा समर्पित। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से चल रहे खिचड़ी मेले में रविवार को गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में उमड़ी भीड़। कहा गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने के बाद मेले में लगे झूलों का उठाया लुफ्त। और हिमालय से आ रही सर्द हवाओं ने यूपी में बढ़ाई सर्दी। सुबह शाम पड़ रहा है कोहरा। ADM फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा एक सप्ताह के बाद मौसम में शुरू होगा बदलाव। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।